पहला प्रश्न हो जाएगा हमारा, सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीरो पॉलीथीमिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है पेलाग्रा, पेलाग्रा रोग विटामिन B3 की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है बेरी बेरी, यह विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है, विटामिन B3 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल होता है, विटामिन B5 का रासायनिक नाम नियासिन होता है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोक्वालामिन होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ओजोन परत संरक्षण से, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है वन्य जीव संरक्षण, इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, टाइफाइड टाइफाइड मियादी बुखार फैलता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पानी खाद्य पदार्थ से फैलता है, सरे गले पानी एवं सरे गले खाद्य पदार्थों से मियादी बुखार फैलता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियाँ कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों, रोहू और कतला, यानी इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5, वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देहरादून इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है जबलपुर, जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है बेंगलुरु, भारत के बगीचा के नाम से प्रसिद्ध बेंगलुरु शहर को जाना जाता है। भोपाल, यह मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कामेट, कामेट पर्वत चोटी उत्तराखंड में स्थित है, इसकी ऊंचाई 7756 मीटर है, यह भारत का तीसरा सबसे ऊंचा शिखर है, विश्व में इसका स्थान 21वां है। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा हमारा, जापान के योहोकामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन जिस संदर्भ में किया गया था वह क्या था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक आपदा नियंत्रण इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है पृथ्वी सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा हमारा, भारत वर्ष का नूनमाती तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा, नूनमाती तेल शोधक कारखाना की स्थापना 1962 में हुई थी। और ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है बिहार, बिहार में बरौनी तेल शोधक कारखाना है जिसकी स्थापना 1964 में की गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूं नामा लिखा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर, अकबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। और गुलबदन बेगम यह बाबर की पुत्री थी और हुमायूं की बहन थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा, सीरी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। हौज खास का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था और बाजार नियंत्रण प्रणाली सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है फिरोज शाह तुगलक, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला सर्वप्रथम शासक फिरोज शाह तुगलक था और पांच बड़ी शहरों का निर्माण कराने वाला, पांच बड़ी नहरों का निर्माण कराने वाला यह फिरोज शाह तुगलक था। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ इल्तुतमिश, यह कुतुब मीनार को निर्माण को पूरा कराया था इल्तुतमिश और इक्ता प्रथा को प्रचलित कराया था इल्तुतमिश ने, और इल्तुतमिश ने तुर्क ए चेहलगानी का भी गठन किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, अकबर के 1567 में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदय सिंह इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है महाराणा प्रताप।
महाराणा प्रताप, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, जिसमें अकबर विजयी रहा था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सासाराम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। और ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है दिल्ली, यह हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13, कथा सरित सागर के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, कथा सरित सागर के लेखक, इसका सही उत्तर हो जाएगा सोमदेव। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा विशाख दत्त। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है यह मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं, और ऑप्शन नंबर सी में ही विशाख दत्त दिया हुआ है, और देवी चंद्रगुप्तन के लेखक भी विशाख दत्त ही थे, भविष्य कथा के लेखक धनपाल थे, बृहत तथा कथा मंजरी के लेखक, बृहत कथा मंजरी के लेखक क्षेमेंद्र थे। क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा हमारा, गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है बारामिहिर, यह गुप्त काल के दूसरे गणितज्ञ एवं खगोलविद बारामिहिर थे। आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना किए थे, और बारामिहिर ने बृहत संहिता नामक के लेखक बारामिहिर थे। ब्रह्म सिद्धांत की रचना ब्रह्मा गुप्त ने की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन जैन धर्मों के 23वें तीर्थंकर थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पारसनाथ। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है ऋषभदेव, यह जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है महावीर, यह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसे हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती इसका सही उत्तर हो जाएगा। तूफानी हिंदू के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो स्वामी विवेकानंद को तूफानी हिंदू के नाम से जाना जाता है। आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। और भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती थे, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती थे, और आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किए थे, और वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 ईस्वी में राजा राम मोहन राय में किए थे, और ब्राह्मण समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय में 1828 ईस्वी में किए थे। क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा हमारा, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सरोजनी नायडू, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एनी बेसेंट। मगर जब ऐसा पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरोजनी नायडू। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि क्यों लौटा दिए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने सर की उपाधि लौटा दी थी। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था, और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 19, 1937 ईस्वी के कांग्रेस मंत्रिमंडल में कितने प्रांतों में बने थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8, इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा हमारा, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1906। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1885, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, और सूरत फूट 1907 में हुई थी, और बंगाल का विभाजन 1905 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा हमारा, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महादेव गोविंद रनाडे, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है ज्योतिबा राव फुले, बालिका विद्यालय की स्थापना ज्योतिबा राव फुले ने
1851 ईस्वी में किए थे और गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिबा राव फुले थे। और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ राजा राम मोहन राय, आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में किए थे और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में किए थे। और ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, यह विधवा पुनर्विवाह के मुख्य सहयोगी थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, गांधी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस वर्ष और किस तारीख को हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 मार्च 1930, इसका सही उत्तर हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, मात्र 17 व्यक्ति पर किलोमीटर, और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व हमारा बिहार का है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सदस्य देशों के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, बेरोजगारी व मुद्रा स्फीति की संयुक्त घटक क्या कहलाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टैगफ्लेशन कहलाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, CRR कम की कर दी जाएगी तो बैंक दर बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न सार्वजनिक उपकरण में से कौन सा महारत्न नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा BSNL, BSNL महारत्न नहीं है। भेल, गेल, सेल, ये तीनों महारत्न कंपनियां हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से बहुआयामी गरीब सूचकांक के संबंध में गलत कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रत्येक प्राचल को समान भार दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पीसी महल नोबिस, द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी बहाल नोबिस की संरचना पर आधारित थी। दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 30 हो जाएगा, निम्न में से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना, RBI जनताओं से जमा राशियों पर ब्याज नहीं देता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 31 हो जाएगा हमारा, तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का क्या कारण है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। और ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है, और नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है, और भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 33 नंबर, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जेनेवा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ वाशिंगटन। IMF का मुख्यालय वाशिंगटन में स्थित है और यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रीजनिंग आ गया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा त्रिभुजों की कुल संख्या पूछा गया है, त्रिभुजों की कुल संख्या, इसका सही उत्तर हो जाएगा 28 त्रिभुजों की कुल संख्या होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था, यह संविधान के किस भाग में वर्णन किया गया है? मौलिक कर्तव्य का वर्णन भाग किस में किया गया है? तो भाग 4 के ए में मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है यह किसका कथन है? राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है यह किसका कथन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेगल, हेगल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया अरस्तु, अरस्तु जी का कथन है शिक्षा के बिना मानव पशु के समान है, किसका कथन है? अरस्तु का कथन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कब किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13 दिसंबर 1946, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा कब किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1929, पूर्ण
पूर्ण स्वराज का लक्ष्य 1929 में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा रखा गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 39 हो जाएगा हमारा, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। इसका सही उत्तर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा जी को सर्वप्रथम संविधान सभा द्वारा अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, किस भारतीय शासन अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का आरंभ हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1909, मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिगृहित संपत्ति। भारत में नागरिक बनने के लिए अधिगृहित संपत्ति उपयोगी नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? इसका सही उत्तर होगा उपाध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पंजाब, पंजाब राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है। बिहार उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 15, 16, 19 एवं 29। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45, सत्य चुनिए, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा सत्य। लोकसभा में राष्ट्रपति दो सदस्य को मनोनीत करते हैं, लोकसभा में राष्ट्रपति दो सदस्य को मनोनीत करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 में भी सत्य चुनना है। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47, राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्य आवश्यक होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 25, राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्य आवश्यक होते हैं? तो 25 आवश्यक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता? इसका सही आंसर होगा एंथैल्पी में परिवर्तन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49, कार्बन नैनो ट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? इसका सही उत्तर हो जाएगा फुलेरिंस, सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा फुलेरिंस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, कॉपर के किस मिश्र धातु में जिंक नहीं होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बेल धातु में जिंक नहीं होता है। पीतल Cu+Zn का मिश्रण होता है, तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है, जर्मन सिल्वर Cu+Zn+Ni होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर किसके कारण होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एस्बेस्टस के कारण फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 52, संसद की प्राकलन समिति ये कैसी संस्था होती है? इस संसद की प्राकलन समिति अस्थायी संस्था होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 53, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश राष्ट्रपति के पर बाध्यकारी होती है, ये कथन गलत है। बाकी कथन ऑप्शन बी में दिया हुआ, वित्त आयोग के अध्यक्ष पद के लिए योग्यता संविधान से निर्धारित की गई है, ये ऑप्शन सही दिया हुआ है। और वित्त आयोग के लिए ऑप्शन सी में दिया है, अभी तक 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं और 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 2020 से 2025 तक चलेगा और संविधान के 280 के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 62 हो जाएगा, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्न में से किसकी मात्रा कम करना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस कम करना क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 63, ऊर्जा का स्तूप पिरामिड होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हमेशा सीधा होता है।
ऊर्जा का स्तूप हमेशा सीधा होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जाएगा क्वेश्चन नंबर 64, परंपरागत रूप से क्रिकेट का बैट किस लकड़ी से प्राप्त किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बिल्लो। क्रिकेट का बैट बिल्लो लकड़ी से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 65, भारत का राष्ट्रीय पुष्प इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? नीलम्बो न्यूसीफेरा गार्टन, नीलम्बो न्यूसीफेरा गार्टन इसका वैज्ञानिक नाम है। राष्ट्रीय पुष्प कमल, कमल का वैज्ञानिक नाम नीलम्बो न्यूसीफेरा गार्टन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा जीव विज्ञान के पिता किन्हें कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अरस्तु। जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 67 हो जाएगा, निम्न में से कौन सा कूट फल है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पोम। पोम एक कूट फल है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 68, कीट भक्षी पादप का उदाहरण है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नप्तेथीज, नप्तेथीज हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त 1813 के चार्टन अधिनियम से नहीं थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से व्यापार अधिकार समाप्त कर दिया। इसका सही उत्तर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से व्यापार अधिकार समाप्त कर दिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 70 हो जाएगा, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 9.46 × 10^15 मीटर। अगर किलोमीटर में पूछा जाए तो 9.46 × 10^12 किलोमीटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 71 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदक में शामिल होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन के तीसरा गति नियम। रॉकेट प्रणोदक में शामिल होता है न्यूटन का तीसरा गति नियम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की तरह कार्य करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बृहस्पति, वैक्यूम क्लीनर की तरह बृहस्पति ग्रह कार्य करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, यदि वायुमंडलीय दाब पर पारे के 76 सेमी से कम हो तो पानी का डैश तापमान पर उबलेगा, पानी कितने तापमान पर उबलेगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 100 डिग्री से कम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, सूर्य व तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। क्वेश्चन नंबर 75 हो जाएगा हमारा, पेयजल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रेट, ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट की अधिकता से होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, ब्रांडलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में है उसका शीर्षक क्या है? इसका सही होता है, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आवर कॉमन फ्यूचर, आवर कॉमन फ्यूचर इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 मार्च, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, मेघालय की गारो पहाड़ियाँ निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 78 हो जाएगा, मेघालय की गारो पहाड़ियाँ किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संतरा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में वन नीति 1952 ईस्वी का संशोधन कब किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1988, भारत में वन नीति 1952 का संविधान संशोधन 1988 में किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, NEFA नेफा का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नेफा का फुल फॉर्म नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, पशुओं की रेड सिंधी नस्ल किसकी है? पशुओं में रेड सिंधी नस्ल किसकी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गाय, रेड सिंधी नस्ल गाय की है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 82, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 83, लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा
महाराष्ट्र, लोनावाला जल विद्युत संयंत्र महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में की गई थी। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 85 हो जाएगा, नामदफा अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नामदफा अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनायमुडी है। क्वेश्चन है 86 नंबर, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनायमुडी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, पाचन तंत्र का कौन सा भाग एसियल स्रावित करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अमाशय। पाचन तंत्र का कौन सा भाग एसियल स्रावित करता है? इसका सही उत्तर अमाशय हो जाएगा। कोयना जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कोयना जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र राज्य में स्थित है।